आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, मैं आपके साथ संजीव झा इस वक्त बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र व जैतपुर से पूर्व निगम पार्षद के प्रत्याशी आम आदमी के नेता श्री चंद्र बोरा जी। आइए बात करते हैं कि कई मुद्दों पर लेकर चर्चा करते हैं। ये अभी जो कुछ इनकी पार्टी के जो यहाँ के दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनके बयान को लेकर के, हालांकि हमने ये तो कहा है कि दिल्ली के अंदर जो सुविधा है वो सुविधा पूरे राज्यों में अगर वो सुविधा हो जाए तो लोगों को अपने घर छोड़ के, क्योंकि आदमी जब बिहार हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वो किसान लोग हैं, वो वहाँ खेती करते हैं और वो उस अपनी खेती को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने इलाज के लिए दिल्ली आते हैं, जबकि दिल्ली को स्वीकार है सारी चीज़। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है अरविंद जी का कि अगर वो सुविधा वहाँ पे मिल जाए तो अपने परिवार के बीच में रह के अपनी सेवा कर सकते हैं अच्छी तरह से रूप में, ऐसा मतलब वो कह रहे थे। कुछ और विरोधियों ने इस तरह का क्या मसाला उनको मिल गया, क्यों गया, क्या मिल गया कि वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन या पूर्वांचल में एक संदेश देना चाहें, क्या मानते हैं, क्या जानती हैं, इस क्या उद्देश्य है इसका? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अरविंद जी की जिस तरह से दिल्ली के अंदर सर्वे अब मीडिया खुद कर रही है और उनको भी पता है, उनका भी खुद का सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का, और वहाँ पे बड़े बड़े धींगड़ा बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता है कि सबसे बड़े कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा कौन भारतीय जनता पार्टी का, तो सारे के सारे घबराए बैठे हुए हैं। जिस तरह से हमने लोगों की सेवा के लिए पहले बिजली हाफ अब माफ 200 नीट तक, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जिस तरह से अरविंद जी दिल्ली में एक से एक काम लोगों के लिए करे जा रहे हैं, तो उनको चिंता ये बन गई कि अब हम दिल्ली में करेंगे क्या, क्योंकि सारे काम जो हमने वादे करे थे दिल्ली के अंदर, जब 4 साल की सरकार पर, 4.5 साल हुए अभी हमारी सरकार को, और जो पिछले 93 से लेकर आज तक ये नेता जिनकी जमीनी खिसक गई है, उनको चिंता हो रही है कि हम किस तरह दिल्ली के अंदर द्वारे बैठे, क्योंकि इनको ना हमें राजनीति की भूख नहीं है लेकिन इन्हें राजनीति की भूख है। जब तक अब इनकी मैं एक चीज़ दिखलाना चाहता हूँ, यही मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज पूर्वांचली कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको दिल्ली के अंदर दूसरी बार सांसद बने हैं, कितने पूर्वांचली को आज तक इन्होंने नौकरी पर लगाया, कितने पूर्वांचली को आज तक इन्होंने सेवा दी है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी चीज़ भी तो इनसे पूछना चाहता हूँ। कभी एक जाति से देश नहीं बनता, हर जाति से एक देश बनता। मैं इनकी एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ, गोरखपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा सपा से और इन्होंने खुद एक बात स्वीकार करी थी कि भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए इस बात को। जी, पहली बार हम जीवन में एक बहुत अच्छा काम किए हैं, आज हमको इस बात का बहुत गर्व है। मैं तो चुनाव तभी जीत गया जब मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का, और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। आपने उन्हीं के जवानी सुना कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली के लोगों को मारती है, शिवसेना मारती है, तो उनको किस अधिकार, तो ये किस अधिकार से बोल रहे हैं इस बात को? हमने दिल्ली के अंदर चाहे किसी भी प्रांत का साथी रहता हो या किसी प्रांत के लोग रहते हो, सबको शिक्षा मिल रही है, सबको बिजली मिल रही है, सबको अच्छी योजना मिल रही है, किसी एक जाति को तो नहीं मिल रही, लेकिन इनके घबराए पड़े हैं, अपनी इनकी जमीनी खिसकती जा रही है इसलिए घबराए पड़े हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ, वो एक जाति समीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जाति से हटकर ऊपर राजनीति करते हैं। उनको उनका काम है कि सारे लोगों को सुविधा प्राप्त करनी है। उन्होंने रोजगार दिला दिया, कितने पूर्वांचलों को उन्होंने, पूर्वांचली जितने भी हैं उनको उनकी सुविधा दिलाई है, एक भी तो दिखला दें। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है? गोपाल राय जी कहाँ से आते हैं? पूर्वांचली हैं, वो बिहार से आते हैं हमारे, और दिल्ली के अंदर वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज उनसे पूछिए, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। आज अगर हकीकत में अगर पूर्वांचल का नेता माना जाता तो गोपाल राय जी को माना जाता है। दिल्ली के अंदर अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता पूरे इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको लोग चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। अब इनकी चक्कर क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कभी तो ये देशभक्ति की बात करते हैं,
कभी ये बात करते हैं 370 की, कभी बात करते हैं 35A की, कभी बात करते हैं राम मंदिर की। प्याज के माला पहन पहन के जो आंदोलन करते थे उनके वरिष्ठ वरिष्ठ नेता, आज वही प्याज जो है सो 80 रुपये पे पहुंच गई। केंद्र सरकार क्या कर रही है? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस समय पेट्रोल के रेट बढ़े थे तो राजघाट पे डांस चल रहा था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार की, तो पेट्रोल के रेट के ऊपर इन्होंने एक ड्रामा करा। जीएसटी जो आज ये लागू कर रखे हैं इसके ऊपर इन्होंने विरोध प्रदर्शन करा। आज प्याज उस समय 80 का रेट था तो ये रोज विजय गोयल जी और मनोज ये सारे के सारे माला पैर के पूरे जो बड़े बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके भी नाम मैं उजागर कराना चाहता हूँ कि वो किस तरह की यहाँ की राजनीति कर रहे हैं बदोपुर में आके, और बदोपुर में ही लोगों को गुंगा करके चले जाते हैं। तो आज क्योंकि अरविंद जी एक ऐसे शख्स हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इनको किसी तरह का मौका नहीं दे रहे, तो ये घबराए पड़े हैं। बीजेपी का स्वाद आपने भी चख रखा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे कहा था कि मैं लोगों की भावनाओं से नहीं खेलता, चाहे मेरे लिए बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो पार्टी लोगों के हित के लिए काम करती है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। मुझे मेरी भावना बोला, मेरी दिल की आत्मा ने बोला कि भाई 2014 में सरकार बनी, 28 सीट आई जिसके, और उसके बाद 2015 में के अंदर पूरा भवन 337, तो आपने कभी भी देखा होगा मैं देश के बदोपुर विधानसभा की अगर लड़ाई लड़ता हूँ तो उनके लोगों के हित की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं किसी स्वार्थ के व्यक्ति के साथ नहीं जाता। अभी मैं जितने नेता हमने बना दिए छोड़ दिए, लेकिन हमने अपने एक ही संकल्प हमारा एक ही वादा हमारा हमेशा रहा कि हम ईमानदार नेता के साथ चलेंगे, और ईमानदार नेता अरविंद के। दूसरा सर सवाल जो सर जो कि मतलब आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और सूत्रों से जो मतलब जानकारी मिल रही है कि एक बदर विधानसभा क्षेत्र से आपने भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रखा है, क्या रहेगा? देखो मैंने कहा मांगने का अधिकार सबको है, एक कार्यकर्ता को भी मांगने का अधिकार है। वो 5 साल पार्टी की सेवा करता है तो उसका लगता है कि भाई मैं भी अपनी पार्टी के सामने अपनी भी विचारधारा रखूं कि मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में लड़ना चाहता हूं, तो वो उम्मीद मुझे भी है, लेकिन पार्टी के फैसले के साथ मैं हूं। पार्टी का जो भी आदेश होगा, आपने देखा होगा कि 2015 में जब जिसको टिकट मिली आम आदमी पार्टी से हम उसके साथ लगे, 2017 में चाहे हमें नगर निगम की टिकट लेट मिली लेकिन हमने विरोध नहीं करा। ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ना व्यक्ति को चुना है, हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो ईमानदारी से देश के लिए काम करना चाहता है, जो ईमानदारी। तीसरा सवाल जो कि मतलब आम आदमी पार्टी का नेता है, चुनाव लड़े हुए हैं, विधानसभा की भी तैयारी एक मन में ऐसा रख रखे हैं कि अगर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का हमें सम्मान देती करती है और एक मौका और देती है विधानसभा से लड़ने के लिए, तो वो भी आपने एक आपके मन में इस तरह से और मेहनत भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं दिन रात, जो कि जब देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए चाहे क्षेत्र में, मतलब आप लगे हुए हैं कि मतलब टिकट के दावेदारी में आप हैं। वहीं पे तीसरा सवाल यह है कि यहाँ पे कुछ एक चर्चा और भी सूत्र से निकल के आ रही है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो पूर्व विधायक हैं चौधरी राम सिंह नेताजी, कहीं ना कहीं गुलगुलाहट जो है उनकी भी चल रही चर्चा में कि राम सिंह नेताजी क्या नाम है आम आदमी से टिकट ला सकते, कहाँ तक सच है, कुछ जानकारी है आपको? ऐसा सुनने में तो हमें बिल्कुल नहीं आया, आपके मीडियम के माध्यम से आज ही पता चला हमें। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमें तो अरविंद केजरीवाल पर विश्वास है, कौन आता कौन जाता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पार्टी का जो भी आदेश होगा, पार्टी जो भी कहेगी बदोपुर विधानसभा के अंदर। आपने कहीं राम सिंह जी का कहीं चर्चा सुने नहीं है, मतलब किसी के मतलब इस तरह से एक मतलब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई राम सिंह जी का ही बात चल रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि हम अपने पार्टी के जो विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, देखो ये बड़े बड़े नेता हैं, कौन से दल में कब चले जाएं हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी को लगता है कि भोरा ऐसा उम्मीदवार बन सकता है क्षेत्र के अंदर तो हमें स्वीकार है, पार्टी को लगता है नहीं कि अभी इसका टाइम नहीं है, अभी इसको अभी कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते रहना चाहिए, हम कार्यकर्ता ग्रुप में काम करना चाहते हैं। कौन आए कौन नहीं आए इसका अगर जो फैसला पार्टी का होगा बदोपुर विधानसभा के अंदर, किसी को भी टिकट दे दे पार्टी, हमें इससे मतलब नहीं है कि किसको टिकट दे दी, हमें इससे मतलब है कि हमें आम आदमी पार्टी को कैसे जिता के भेजना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा रिपीट कैसे करना है, हमारे विचारधारा ही। पांचवा सवाल सर ये है कि बस लास्ट सवाल है कि ओजोन का मुद्दा जो आपके बदर विधानसभा में चल रहा है, ये ओजोन कहाँ तक क्या सच्चाई है? संजीव जी आपने हमने एक साथ राजनीति भी करी है और समाज सेवा भी करी है, मेरे से बेहतर ओजोन के अगर आप अगर बताएंगे तो मेरे से बेहतर तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे ज़्यादा कम जानकारी है। ओजोन परिभाषा मेरे लिए कुछ नहीं है, अगर मेरे में दम है तो मैं लोगों के घर भी बना सकता हूँ, मेरे में लोग अगर दम है तो मैं क्षेत्र में सेवा भी कर सकता हूँ,
मेरे में अगर दम है तो मैं युवाओं के रोजगार में भी ताकत रख सकता हूं, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए। नेता में ताकत होती है। अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से, मैं एक बार मौका मांग रहा हूं खाली जनता से, एक महीना दे दें, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। एक महीने में मैं आपको बता देता हूं कि ओजोन हटता कैसे है, युवाओं को रोजगार कैसे मिलता है, महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है, जो यहाँ पे गली गली जो आपका शराब बांटी जा रही है और जो जिससे युवा परेशान हो रहे हैं, नशा का एक धंधा चल रहा है पूरे बदरपुर विधानसभा के अंदर, एक महीने के अंदर अगर ये चीज़ खत्म न हो जाए तो एक श्रीचंद भोरा आपके सामने इस्तीफा देकर आपके बीच में आ जाएगा। क्योंकि नीयत होनी चाहिए। आज तक इस बदरपुर को तीन नेताओं ने लूटा है। पहला तो विकास पुरुष बन के लूटा, दूसरा पानी पिला के लूटा, एक गरीब का बेटा 200 किलोमीटर दूर से चल के आके उसने पूरे बदरपुर को तो त्रास त्रास कर दिया। मेरी लड़ाई तीनों नेताओं से एक साथ रहेगी। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बदनाम नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी नेता यहाँ पे आ जाए। आम आदमी पार्टी का परचम पहले भी लहराया था और अब भी लहराएगा। जो इस पार्टी को खराब करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो। अभी जस्ट कहा है कि तीन नेता ने लूटा है, एक विकास के नाम पर लूटा जो विकास पुरुष कहते हैं, एक पानी के नाम पर लूटा जो पानी के टैंकर जिनकी चलती है, और तीसरा जो बताया आपने। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आपको तीनों पता है। प्रेजेंट में जो विधायक, मैंने कहा वो तो आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसने कहाँ लूटा पता हो? अगर आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहाँ लूटा? आम आदमी ने तो दिल्ली सरकार, विधायक तो तीन ही बने हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको और भी तो लड़े हैं विधायक के साथ साथ, जो अपने आपको ज्यादा गरीब लोग कहते हैं तो ये तो आम आदमी पार्टी का विधायक है। मैं किसी आम आदमी पार्टी के विधायक तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का विधायक तो ठीक है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा काम किसने करा है? लूटने का काम आदमी, देखो अगर किसी ने ये कहा हो कि विधायक ने अपना ये बोला कि मैं विधायक हूँ मैंने लूटा है, तो मेरी गलती मेरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी भावनाओं से खेल के लूट रहा है क्षेत्र को। कोई किसान के बेटा के नाम पर लूट रहा है, कोई पानी पिला के लूट रहा है, कोई विकासपुर के नाम पर लूट रहा है। लूटने का काम तीनों ने करा, तीनों से आजाद करा के बदोपुर को मानेंगे। मतलब पूर्वांचल के नाम पर जो ये चर्चा विषय बनी है, इस पर आप पूर्वांचल वासियों को, आप आम आदमी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके आप जो हैं सो प्रतिनिधि पे सब चल जो काम वर्क करते हैं उनके, आप तो उस पे आप पूर्वांचल वासियों को क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं पूर्वांचल साथियों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह की एक राजनीति दिल्ली के अंदर, क्या कहा उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने, वो आप अपने संक्षेप में आप बताएं। देखो उनका कहने का मतलब सीधा ये था कि दिल्ली के जिस तरह सुविधा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो यहाँ का वोटर है वो यहाँ का स्थायी है, चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी जाति का हो, दिल्ली के अंदर जो स्थायी निवासी हो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ये दिल्ली जो बनी हुई है, सारे प्रांतों से लोग जो आए हुए हैं उससे दिल्ली चमकती है। किसी एक जाति से दिल्ली नहीं चमकी है, दिल्ली चमकी है पूरे हिंदुस्तान के लोग जब दिल्ली के अंदर आए हैं, क्योंकि एक राजधानी है। राजधानी में जब तरह तरह के लोग, जाति के लोग रहते हैं, तो जब वो एक साथ बैठते हैं, जब एक साथ विचारधारा के त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग जब त्यौहार आते हैं, कोई ईद मनाता है, कोई दुर्गा पूजा करता है, कोई रामलीला करता है, कोई होली खेलता है, कोई दिवाली करता है, तो जब वो दिल्ली बनी है हमारी हिंदुस्तान, और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। तो मैं अपने साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है आप और हमारे बीच में फूट डालना चाहती हैं, उसको आप गौर से देखें। क्योंकि हमारा मतलब यही है कि दिल्ली की सुविधा जैसी पूरे राज्य में सुविधा मिले, जिस तरह की यहाँ अस्पताल हैं, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, इस तरह हर राज्य में मिले, हमारा यही है। और आपका हमारा प्रेम, मनोज तिवारी जैसे नेता आपका हमारा प्रेम खत्म नहीं कर सकते हैं, विजय गोयल जैसे नेता आपका हमारा प्रेम खत्म नहीं कर सकते हैं। कल भी हम एक थे और आज भी हम एक हैं, और सदा हम एक दूसरे के सुख में दुख में बैठकर भारत को एक महान ताकत के रूप में बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँ। और दिल्ली को एक बात और मैं आपसे संजीव भाई जी एक बात और कहूँगा, दिल्ली की एक ही पुकार है, दिल्ली बोले फिर से, केजरीवाल फिर से। तो ये हमारे साथ में थे जो जैतपुर वार्ड से जो है चुनाव लड़े हुए हैं निगम पार्षद के श्रीचंद बोरा जी। इस समय विधानसभा की तैयारी भी लालसा लगी हुई है कि अगर पार्टी हमें एक बार टिकट दे दे तो क्या नाम है, हम एक बार विधानसभा में चुनाव लड़के दिखाएंगे और सीट निकाल के दिखाएंगे। प्रयास इनकी जारी है, कहां तक इनकी प्रयास कामयाब होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जो ये एक पूर्वांचल का लेकर के जो एक मैटर बना, इशू बना है, विरोधियों ने जो इसको घुमाने की कोशिश कर रही है उसको इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल जी का यही कहना था कि मतलब जब जो विकास मैंने दिल्ली के अंदर में किया है, अगर यह विकास और भी स्टेट का अगर ऐसा ही हो जाए तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि 500 रुपये के लोग टिकट लेके बिहार से आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। काश यही विकास
हर एक और स्टेट में भी होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं संजीव झा, खबर एनडीटीवी बदर। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, इस्ता हर खबर से।